हेलो दोस्तों, एसआर गार्डन केयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पान की पौधे के बारे में। ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा प्यारा प्लांट होता है और देखने से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं मेरा प्लांट करीब ज़्यादा 3 मंथ का ये प्लांट है और इतना अच्छा खासा देखने से लग रहा है। इसकी पत्ती आप देख सकते हैं काफ़ी चौड़ा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आप भी अपने घर पे, छत पे और गार्डन में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इसको ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो हमारे हिंदू धर्म में पूजन कांड या किसी विधि विधान में प्रयोग किया जाता है। वस्तु के अनुसार पान के प्लांट अपने घर पर लगाने से सुख फल की प्राप्ति होता है। तो चलिए इस प्लांट के बारे में हम लोग A to Z जानकारी लेते हैं ताकि आप भी अपने घर पे, छत पे और गार्डन में बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप किसी गार्डन वेबसाइट से या किसी पास की नर्सरी से आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्लांट के जो स्टेम होता है उससे जो प्लांट है कैसे तैयार किया जाता है हम आपको बताएँगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी जो स्टेम है, आप इसकी स्टेम जब भी ले तो ऐसा स्टेम ले जो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड हो ताकि लगाने में ना कोई प्रॉब्लम हो और बहुत ही आसानी से आपका जो प्लांट है वो तैयार हो जाए। तो सबसे पहले इसके जो मैच्योर्ड स्टेम है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं और आपको हम दिखाते हैं। तो आप जब भी इसके स्टेम कटिंग करें तो सबसे पहले उसका जो कटर होता है उसको आप अच्छी तरह से साफ़ कर दें। हमने एक छोटा सा कटर लिया है तो इसको आप सबसे पहले अच्छा से रुई से इसको साफ़ कर दें ताकि आपके जो प्लांट है जो आप स्टेम लेंगे उसमें ना कोई फंगस लगे। तो सबसे पहले हम इसको जो है अच्छी तरह से साफ़ कर देते हैं। हमने साफ़ कर दिया है तो चलिए हम इसके जो है मैच्योर्ड स्टेम है वो काट लेते हैं। हमने करीब 2 इसका जो है पान का पौधे का जो स्टेम है हमने ले लिया है। तो इसकी जो आप जब भी आप इसके जो स्टेम लगाएं तो आप हमेशा देखिए इसकी जो गट देख रहे हैं इसके गट से लगाएं, क्योंकि यहाँ पे आप जो लगाएंगे इसके जो स्टेम देख रहे हैं इसके स्टेम लगाने से आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसका जो स्टेम है वो आपको गल जाएगा। तो आप इसको मत लगाइए, इसके जो आप गट दिखवा से थोड़ा सा इसमें जो रूट भी आया हुआ तो ये आपको बहुत ही आसानी से ये आपको लग जाएगा। तो हम इसको बस ऐसे ही जो है मिट्टी पे जो है ऐसे रख के थोड़ा सा ऊपर से, चलिए हम आपको दिखाते ही हैं ठीक ना। और हमने एक और स्टेम लिया है तो आप देख सकते हैं आपके जो इसकी पत्तियाँ देखते हैं, पत्तियाँ के बीच से इसका जो गट है आप यहाँ से लगा सकते। स्टेम लगाने के लिए जो आप मिट्टी लेंगे वो 60% जो है गार्डन से ले लें, 40% बर्मी कंपोस्ट ले लें। हमने पहले से ही जो है मिट्टी तैयार करके रखा है। तो जब भी इसका स्टेम लगाएं तो आप ऐसा गमला ले ताकि उसके अंदर से हॉल रहे ताकि पानी बहुत ही आसानी से निकल जाए और इसका मिट्टी ना निकले और प्लांट भी अच्छा खासा शेप रहेगा। तो हमने इसमें जो है इसका जो पत्थर कंकड़ पत्थर से भर दिया। तो चलिए हम इसमें मिट्टी भर, तो हमने गमला में मिट्टी भर लिया है। तो आप जब भी इसका स्टेम लगाएं तो इसके दोनों साइड से जो आप कटिंग किए उसमें आप सबसे पहले या कोई फंगीसाइड पाउडर का जो घोल होता है आप वो इसमें लगा दें ताकि प्लांट में ना कोई फंगस लगे, इसके जो स्टेम है उसमें ना कोई फंगस लगे। तो हम इसमें जो है आप एलोवेरा का भी जेल लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसमें एलोवेरा का जेल लगा लेते हैं। हमने पहले से जो इसका एलोवेरा जो है ले रखा है तो इसका जो है जेल इसमें लगा देते हैं ताकि इसके जो स्टेम है ना कोई फंगस लगे। इसको बस आप आसानी से इसके जो रूट जहाँ से आप देख सकते हैं इसके गट है आप देख सकते हैं इसके गट के पास से लगाएं ताकि आपको बहुत ही आसानी से जो है प्लांट तैयार हो जाए। बस हल्के हाथ से इसको दबा देना है बस ऊपर से, ये आपके जो इसके जो गट है वहाँ से जो है रूट 7 से 8 दिन में अच्छा खासा जो है आने लगते हैं और 10 से 15 दिन में इसका प्लांट बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। तो इसी तरह हम इसको भी लगा देते हैं। इसमें बस थोड़ा सा पानी ऊपर से छिड़काव कर देते हैं। आप जब भी पानी दे तो साइड से पानी दे ताकि बीच से देने से होता क्या है कि इसके जो जड़ वर है वो ऊपर आ जाते हैं तो प्लांट लगने में थोड़ा सा कम संभावना होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब इसके प्लांट आपको 10 से 15 दिन में अच्छा खासा तैयार हो जाएगा तो आप इसके जो प्लांट जब भी लगाएं तो इस प्लांट लगाने के लिए जो इसका मिट्टी होता है वो आप 70% गार्डन से ले लें, 30% बर्मी कंपोस्ट ले लें या फिर गाय का गोबर का जो सड़ी हुई खाद होता है वो ले लें, थोड़ा सा नीम का खली ले लें और थोड़ा सा लकड़ी का राख होता है वो ले लें,
बोन मील भी आप दे सकते हैं, लेकिन आप पूजन के लिए इस प्लांट को लगाते हैं तो बोन मील ना दें। सबको अच्छी तरह से मिक्स करके इस प्लांट को आप लगाएं। लगाने के बाद इसमें पानी उस टाइम भरपूर दे। उसके बाद पानी जब भी दे तो इस प्लांट पे विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये प्लांट ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं करता है। तो आप जब भी इस प्लांट में पानी दे तो बिल्कुल पहले अच्छी तरह से इसकी जो मिट्टी होता है वो आप जांच ले, देख ले कि इस मिट्टी में नमी बना रहे तो पानी बिल्कुल ना दे। थोड़ा सा देख ले कि मिट्टी ड्राई लगे तो पानी दे। ऐसे जगह पर रखे जहाँ पर इसमें जो धूप है ज़्यादा नहीं, 3 से 4 घंटे के ही धूप आती हो, तो ऐसे जगह पर रखें, क्योंकि इस प्लांट को धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। इस प्लांट की फंगस की बात करें तो वैसे इस प्लांट पर कभी फंगस आया नहीं है, जहाँ तक कि हम काफ़ी सालों से लगा रखे हैं तो कभी इस पर फंगस आते हुए नहीं देखे। लेकिन फिर भी इस प्लांट पर अगर फंगस आ जाए तो आप नीम की जो वायल होता है वो आप पानी में मिक्स करके इस पर जो है ना 2 महीना 3 महीना पर जो है ना स्प्रे करते रहे, ताकि इस पर फंगस नहीं आएगा। अगर बाय द वे आया भी होगा तो वो फंगस ख़त्म हो जाएगा। इसकी फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इस पर जो फर्टिलाइज़र है 3 महीना 4 महीना पर जो है इसकी मिट्टी में जो है आप गाय का गोबर का खाद या बर्मी कंपोस्ट तो ऐसा नीम का खली मिक्स करके इसमें जो है आप फर्टिलाइज़र आसानी से कर सकते हैं, ताकि इसी तरह आपका जो प्लांट अच्छा खासा ग्रोथ और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। आप देख सकते हैं मेरा प्लांट, ये प्लांट ज़्यादा मंथ का भी नहीं है, करीब 2-3 मंथ का ही प्लांट है और अच्छा खासा प्लांट मेरा तैयार है। तो आप भी अपने घर पे बहुत ही आसानी से ये प्लांट लगा सकते हैं, ताकि आपको भी कोई भी पूजन पाठ में मार्केट से आपकी जो पान की पत्तियां हैं वो लाना नहीं पड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ में कमेंट करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए और इसी तरह आपको प्लांट्स रिलेटिव जानकारी आपको आसानी से मिले, ताकि आप भी अपने घर पे बहुत ही आसानी से प्लांट लगा सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।